अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। गाइस, बच्चे बहुत थक चुके थे तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपना भी पेट भर आ जाए और बच्चों का भी। तो हम लोग आ गए हैं लेट्स सी के। बच्चे बोल रहे थे बर्गर किंग खाएंगे, लेकिन मुझे और हस्बैंड को पॉपाइज बहुत पसंद है, तो इसलिए हम ये ऑर्डर करेंगे और बच्चे वो ऑर्डर करेंगे। इंटरनेशनल शिप है ये भी और इस तरफ ये भी, और ये अभी कुछ क्रूज यहाँ पे आ गए हैं, इस वजह से इस पार्ट को ना क्लोज कर दिया है, वरना ये सारा ओपन एरिया है। जिस तरह ये ओपन है, ये साइड भी बिल्कुल ओपन ही होती है, लेकिन अभी क्रूज की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से उन्होंने जस्ट लाइक टर्मिनल, तो इसलिए इस साइड को क्लोज कर दिया हुआ है। Going upstairs. तो यहाँ जो है टॉयज पे और गेम्स पे 50% है। ओहो, वैसे हमारा टाइम अच्छा नहीं था, ज्यादा इतने रोले ही कोई नहीं थे। आप लोग देख सकते हैं, बहुत कुछ है बच्चों वाला। जब शॉप ही कुछ बच्चों की है तो सारे चीज़ें भी बच्चों की भी होंगी। बुक्स की वैराइटीज़ तो इतनी हैं कि इनके पापा मुझे नहीं अंदर आने देते, कि बच्चों का तो पता नहीं है, उनकी अम्मा का दिल पहले ख़राब हो जाता है।
अभी आप लोगों ने मेरी सिलेक्शन देखी भी है, कितनी सारी मेरे पास चीज़ें हैं बच्चों के उसके अलावा हैं, और फिर भी जब आती हूँ तो बस। तो ये देख रहे हैं, अब हम लोग बाहर पार्किंग की तरफ जा रहे हैं डाउन स्टेयर्स, और कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ दिखाया जाए, और आप लोगों को अच्छा लगे व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे ये है कि क्योंकि आपको मैंने बताया ये एक मॉल की तरह पॉट है, ऐसा क्लोज नहीं किया जाता, इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं सब, जस्ट लाइक जैसे दुबई में वो सऊदीया में होता है या दुबई में, उसी तरह से यहाँ पे भी है। तो काफ़ी सारी शॉप्स जो है ना वो क्लोज हो चुकी हुई हैं, क्योंकि टाइम इस टाइम हो रहा है 7:00 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। ज़्यादा मैं आपको दिखाने के लिए ये आई थी कि ये इंटरनेशनल क्रूज़ है, तो ये यहाँ आया। आप देखें, 3 दिन का स्टे है, 1 वीक का स्टे है, ये नहीं है अभी पता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से आते हैं, और एक मैंने और भी जो वीडियो में ऐड किया वो भी है, लेकिन वो छोटा वाला है, और ये बहुत बड़े वाला है। तो ये ग्लाटा पोर्ट बहुत बड़ी पोर्ट है, और ये यहाँ पे एवरी आफ्टर 3 मंथ्स ये यहाँ पे आती ही रहती है, और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट नुसरत साहब हैं, ये देखिएगा, यू कैन सी, ये सॉल्ट वे भी है यहाँ, और ये देखें जैसे कि इसके सामने ये मैग्नीफाई ग्लास लगा हुआ है इसके अंदर, और लोग वहाँ पे बड़ा मज़े का एक फ़ोटो क्लिक होता है। तो मेरे पीछे मेरे बच्चों के तीनों की लाइन लगी होती है, मैं कहीं पे भी जाऊं ये तीनों मेरे पीछे 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 होते हैं जी। बच्चे भागते हुए पार्किंग की तरफ, मोहम्मद आहिल, ये यहाँ पे पार्किंग के पैसे पे किए जा रहे हैं, और उसके बाद हम एलिवेटर से नीचे जाएंगे। तो मैं आपको वहाँ नहीं दिखा सकी, लेकिन ये है कि अगर आप इस पोर्ट में कुछ भी 300 लीरा का यूज़ करते हो, इवन खाना भी आप खाते हो, तो आपको यहाँ पे पैसे चार्ज नहीं किए जाते। तो हम लोगों ने अपनी स्लिप पकड़ ली थी और नीचे आकर ना दिखाया, तो हमारा 300+ था, तो हमें इसे कुछ कुछ चार्ज नहीं करना पड़ा। मैं वहाँ नहीं वीडियो बना पाती क्योंकि या तो बच्चे मेरे हैंडओवर होते हैं, तो या ये वो दीवार है जो अर्तुल गाजी ने फतह की थी, और ये तब से अब तक वैसी की वैसी ही है, और बड़ा खूबसूरत लगता है इसको देख के। गाइस, जैसा कि वो ये पार्किंग में आपको हमेशा दिखाती हूँ, आज खुद मैं इस पार्किंग में मेहमान बन के खड़ी हुई हूँ। तो देखें, बच्चे अंदर चले गए, मोहम्मद आहिल हैं वो सो रहे हैं, और ये देखो मुझे भतीजा दूर से आते हुए दिखाई दे रही है। तो मोहम्मद आहिल सो रहे हैं इसलिए मैं नहीं गई हूँ। तो जी जनाब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज हम भी वो पार्किंग वाली जगह पे बैठे हुए हैं। बड़ा ही कोई ना खूबसूरत सुकून और मज़ा है यहाँ पे। कैंटीन्स भी बनी हुई हैं और फिशिंग भी हो रही है यहाँ पे। बच्चे पीछे लगे हुए हैं माशाल्लाह से, तो ज़बरदस्त है सुकून, हवा मीठी मज़ेदार, गर्म दिन के बाद सुकून, सुकून की शाम। आप लोग क्या कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी बताइएगा, और समंदर को देखना, क्योंकि ज़्यादातर आपको यही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस्तांबुल में मोस्टली जो भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो इसी से रिलेट करते हैं। जैसा कि अभी तो विंटर चल रहे हैं, सॉरी समर्स चल रही हैं,
तो सब लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर बीचेस को ही करते हैं, सी व्यूज़ को करते हैं। जब आएगी इंशाल्लाह से विंटर, तब थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, फिर उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। आजकल की एक्टिविटीज़ में टॉप ऑफ द लिस्ट तो सी व्यू, बीचेस और कुछ ओपन एयर, इसी तरह का सिस्टम है आजकल तो। उठ गए थे मोहम्मद आहिल, उनको लेके तो झूला झूला जा रहा है और उधर अजान और खदीजा लगे हुए हैं। बच्चे आज फुल मौजों में हैं। पता क्या है, ये यहाँ पे रहने का एक नुकसान ये भी है कि बच्चों को हर टाइम ना इंटरटेनमेंट ही चाहिए। भाई अम्मो वहाँ चलें, बाबा वहाँ चलें, तो कुछ वोकेशन चल रही हैं तो घर पर रहना ही कोई नहीं अब होता। बस ये देख लें, बस लेकिन मज़ा अच्छा आ रहा है बहुत। और आज मज़े की बात ये, आपको पता है यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं है, वरना तो इतना भागम भाग, बच्चे ही बच्चे और समझ नहीं आ रही होती आपका बच्चा कौन सा है और किधर चला गया। वेरी गुड। तो आज ये है कि बड़ी खामोशी है और बड़ा सुकून है। तो हमारा वीकेंड पे ये होता है कि फिर वीकेंड पे हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं रखते बाहर वाली ना, क्योंकि पता होता है रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी 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 जी, ओके ओके। तो गाइज यहाँ बैठने का ये है, बच्चे भी खुश हैं और आप लोग, आप भी खुश होते हो ना। क्रूज गुजर रहे हैं, आप बोर नहीं होते, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी किसी को आप देख रहे हो, कभी किसी को देख रहे हो, कोई आपको देख रहा है। तो ये देखिए, जैसे बच्चों को देखने का तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए कितना मज़ा आ रहा होगा बच्चों को। अब मैं ऐसा सीन करने का सोच भी नहीं सकती, ऐसे दिल में धटका सा लगा रहता है, अभी गिर ना जाऊँ, अभी कुछ हो ना जाए। तो ये उम्र मज़े की है, देखें ज़रा इतना एंजॉय कर रहे हैं। अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे तो बस अब बोर हो गए हैं। आपको पता है बच्चे एक जगह तो टिकने वाले होते नहीं हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते ही रहते हैं। ये देखिए मोहम्मद अजान इधर लगे हुए, और खदीजा को तो पकड़ना ही मुश्किल है भाई, उसका तो कोई पता नहीं है किधर जाती है। कभी उसके पापा कहीं से उसे पकड़ के ला रहे होते हैं, कभी कहीं से पकड़ के ला रहे होते हैं। वो है वो, देखें गाइस नज़र आ ही गई है दीजा, वही कैमरे की आंख का फ़ायदा भी बड़ा है। वो देखें आपको दिखाई दे रही है, बैग पे लगी हुई है खुद ही, और वो डरती नहीं है गिरते हुए। मोहम्मद अजान को डर रहता है थोड़ा बहुत ना कि मैं गिर ना जाऊँ। मोहम्मद आहिल अपने बाबा के साथ चले गए हैं और मैंने उसी तरह जो काम कर रही थी वही अभी भी कर रही हूँ, झूले मैया। मुझे लगता है आज का बहुत सब लोग बन गए। मैंने वो हम लोग उधर क्रूज पे गए हुए थे, जो इंटरनेशनल क्रूज आया हुआ यहाँ पे, वहाँ गए थे, उसकी वीडियो भी मैंने बना ली। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, उसके बाद वो मार्केट थी सारी, गिलाटा पोर्ट जो था वो मॉल था एक किस्म का, वहाँ की वीडियो भी बना ली। तो मुझे लगता है आप मुझे इस व्लॉग का एंड कर देना चाहिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या अच्छा लगा, और इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। आप लोग भी बताइएगा, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।